दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के इंपॉर्टेंट पार्ट क्रैंक साफ्ट के बारे में आईसी इंजन के पार्ट को दो तरह से कैटेगराइज किया जाता क्रैंक साफ्टूविंग और मैकेनिज्म फॉर्मिंग कंपोनेंट के अंतर्गत आता है तो बात करते हैं कि क्रैंक साफ्ट का इस्तेमाल आईसी इंजन में किस कार्य के लिए किया जाता है क्रैंक साफ्ट का मेन कार्य होता है कि जो पिस्टन से हमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलती है उसको रोटरी मोशन में कन्वर्ट करना होता है बाय यूजिंग कनेक्टिंग रोड अगर हम देखें यहाँ पर जब पिस्टन सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करता है तो क्रैंक साफ्ट और पिस्टन के बीच में जो कनेक्टिंग रोड है उसकी मदद से पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंक साफ्ट के द्वारा रोटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है जो क्रैंक साफ्ट है एक प्रकार से ये क्रैंक मैकेनिज्म पर कार्य करती है तो बात करते हैं कि जो क्रैंक साफ्ट है इसे कैसे बनाया जाता है इसकी मेनुफैक्चरिंग कैसे होती है इसको हम कास्टिंग और फोर्जिंग से इसको बना सकते हैं लेकिन फोर्जिंग को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है आज की डेट में क्योंकि जो फोर्जिंग प्रोसेस से बनी हुई क्रैंक साफ्ट होती है वो ज़्यादा स्ट्रोंग होती है उसका डिज़ाइन कंपैक्ट होता है लाइट वेट होती है और उसके अंदर इनहेरेंट डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त होती है अब बात करते हैं क्रेंक साफ्ट को किस मटेरियल से बनाया जा सकता है क्रेंक साफ्ट को बनाने के लिए कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जा सकता है फोर्ज स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बन स्टील का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर लोड कम है इंजन पर उस केस में कास्ट आयरन से बनी क्रेंक साफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए हम फोर्ज स्टील से बनी हुई क्रेंक साफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है अब बात करते हैं कि जो क्रैंक साफ्ट है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्रैंक साफ्ट है वो स्ट्रोंग और उसकी रिजिड कंस्ट्रक्शन होनी बहुत ही जरूरी है और क्रैंक साफ्ट की जो सेप है वो मेनली डिपेंड करती है जो सिलेंडर के नंबर कितने हैं और उनकी अरेंजमेंट कैसी है उस आधार पर ही क्रैंक साफ्ट की जो सेप है वो डिपेंड करती है और जो क्रैंक साफ्ट है वो इंजन ब्लॉक में रोटेट करती है अगर आप इस डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो इंजन ब्लॉक में जो नीचे का पोर्शन है तो यहाँ पर क्रैंक साफ्ट लगी हुई है क्रैंक साफ्ट के ऊपर ये कनेक्टिंग रोड है और कनेक्टिंग रोड पिस्टन के साथ कनेक्टेड है और ये ऊपर ये कैम साफ्ट लगी हुई है तो बात करते हैं क्रैंक साफ्ट के पार्ट्स के बारे में सबसे पहले अगर हम देखें इसके जो पार्ट्स हैं मेन बीरिंग जर्नल जो यहाँ पर अगर देखें बीच में लगा हुआ है ये मेन बियरिंग जर्नल है ये भी ये तो ये सभी क्या है मेन बियिंग जर्नल उसके बाद है क्रैंक पिन ये क्रैंक पिन है यहाँ पर ये क्रैंक पिन है ये भी क्रैंक पिन है और ये देखें ये भी क्रैंक पिन है अब जो क्रैंक पिन का अगर हम देखें डिटेल में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे उसके बाद ये जो पोर्शन है ये वाले जो पोर्शन है ये क्रैंक वेब कहलाते हैं और यहाँ पर ये देखें हम ये काउंटर वेट हैं उसके बाद क्रैंक पिन में अगर हम देखें यहाँ पर एक होल बना हुआ है ऑयल होल ये मेन बियरिंग में भी होता है उसके बाद माउंट फॉर कैम साफ्ट क्रैंक नोज और माउंटिंग फ्लेंज फ्लाई व्हील के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं जो क्रैंक साफ्ट है ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका रियर एंड है मेन बियरिंग जर्नल जो मेन बियरिंग जर्नल है ये क्रैंक साफ्ट को एक प्रकार से होल्ड करने का कार्य करता है और इंजन ब्लॉक के अंदर जो रोटेशनल एक्सिस है उसको भी इसके द्वारा ही बनाया जाता है और ये इंजन ब्लॉक में अटैच होती है जो इंजन ब्लॉक का जो क्रैंक साफ्ट का जो सैडल है ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर यह लगी होती है उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें वो है क्रैंक पिन ये वाला जो पोर्सन है क्रैंक पिन को हम कनेक्टिंग रोड जर्नल भी कहते हैं और एक प्रकार से ये जो क्रैंक वेब हैं इसको स्पोर्ट करने का कार्य भी करती है और जो क्रैंक पिन है इस ये जो कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड होता है यहाँ पर अगर आप देखें ये जो कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड है ये इसके बिग एंड में ये क्रैंक पिन लगी होती है उसके बाद इसका जो सरफेस है वो सिलेंड्रिकल होता है ताकि जो कनेक्टिंग रोड का जो बिग एंड है उसको रोटेटिव फोर्स दिया जा सके उसके बाद आता है क्रैंक वेब ये वाला जो पोर्शन है क्रैंक वेब वेब जो है क्रैंक साफ्ट का बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है और एक प्रकार से जो क्रैंक साफ्ट है और मेन बेरिंग जर्नल को ये कनेक्ट करने का कार्य करता है क्योंकि क्रैंक वेब में देखें मेन बेरिंग जर्नल लगा हुआ है इधर ये क्रैंक पिन लगी हुई है उसके बाद है काउंटर वेट काउंटर वेट की अगर हम बात करें काउंटर वेट जो क्रैंक वेब है उसका ही इंटीग्रल पार्ट होता है एक हिसाब से देखें ये क्रैंक वेब के साथ ही इसके साथ ये इंटीग्रल है तो ये अलग से सेपरेट भी इसको अटैच किया जा सकता है काउंटर वेट को काउंटर वेट का मेन कार्य होता है कि जो क्रैंक पर जो बेंडिंग लोड होता है उसको कम करना साथ में क्रैंक साफ्ट को बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का कार्य भी काउंटर वेट का होता है क्योंकि जब इंजन रन करता है तो क्रैंक साफ्ट और जो कनेक्टिंग रोड का बिग एंड है इसकी रोटेशन के कारण इन दोनों की रोटेशन के कारण जो क्रैंक पिन है उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्सेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एक प्रकार से और उससे क्या होता है कि जो क्रैंक साफ्ट है उसके बैंड होने के चांसेस रहते हैं तो क्रैंक साफ्ट को बैंड होने से बचाने के लिए या बेंडिंग लोड को कम करने के लिए काउंटर वेट का इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद है ऑयल होल्स अब जब हमें पता है कि जब इंजन में बहुत सारे पार्ट्स कार्य करते हैं तो उनकी प्रॉपर लुब्रिकेशन हमें करनी होती है तो ऑयल होल्स के माध्यम से जो लुब्रिकेशन है वो अंदर जाएगा क्योंकि जो क्रैंक वेब है जो क्रैंक साफ्ट में जो ऑयल होल्स हमने ड्रिल करके इसको बनाया जाता है इसका होता है कि जो कनेक्टिंग रोड के जो बीरिंग्स होते हैं जो मेन बियिंग्स हैं या जो जो कनेक्टिंग रोड का बिग एंड में जो बियरिंग्स लगे होते हैं तो वहाँ तक इन होल्स के माध्यम से लुब्रिकेशन ऑयल को पहुँचाया जाता है ताकि प्रॉपर जो लुब्रिकेशन है वो की जा सके उसके बाद बात करते हैं फ्लाई व्हील माउंटिंग फ्लैज ये जो फ्लेंज होता है यहाँ पर फ्लाई व्हील को माउंट किया जाता है ये आप देख सकते हैं फ्लाई व्हील यहाँ पर लगा हुआ है उसके बाद माउंट फॉर कैम साफ्ट कि जो कैम साफ्ट है उसको ड्राइव करना है तो उसकी उसको हम ड्राइव कर सकते हैं वी बेल्ट ड्राइव के द्वारा कर सकते हैं चेन sprocket के द्वारा भी ड्राइव किया जा सकता है और गियर्स लगे हुए हैं गियरिंग के द्वारा भी उसको ड्राइव किया जा सकता है क्योंकि अगर हम देखें जो क्रैंक साफ्ट का फ्रंट एंड है वहाँ पर गियर लगे होते हैं यहाँ जो क्रैंक नोज है ये पुली के लिए होती है क्योंकि जो गियर्स या स्प्रोकेट हम यूज़ करते हैं बेसिकली कैम साफ्ट को ड्राइव करने के लिए या वाल्व ट्रेन को ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो पुली है जो क्रैंक नोज है इसका इस्तेमाल हम जो इंजन की असेसरी हैं उनको रन करने के लिए इंजन की असेसरी में जैसे फ़ैन है अल्टरनेटर uh, है डिस्ट्रीब्यूटर है ऑयल पंप है फ्यूल पंप है फैन है तो ये सारी इंजन असेसरी को रन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और जो फ्लाई व्हील की हमने बात की जो क्रैंक साफ्ट के रियर एंड पर लगा होता है तो एक प्रकार से ये जो ड्राई फ्लेंज है इसके साथ लगा होता है और जो फ्लाई व्हील का जो इनरसिया होता है वो बेसिकली जो क्रैंक साफ्ट है उसको कॉन्स्टेंट स्पीड पर वो टर्न करता है उसके अलावा यहाँ पर ये यह जो पुली है या वाइब्रेशन डैम्पर भी यहाँ पर लगे हो सकते हैं जिसे हम हार्मोनिक बैलेंसर कहते हैं वो बेसिकली जो टोरजनल वाइब्रेशन उसको नियंत्रित करते हैं ट्विस्टिंग और अन ट्विस्टिंग जो फोर्सेस हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं जो क्रैंक साफ्ट पर एग्जर्ट होते हैं पावर स्ट्रोक के दौरान उसके बाद जो हमने बात की है मेन बियिंग जर्नल की जो मेन बियिंग जर्नल की बात करें इसके जो नंबर होते हैं बेसिकली कितने हम यूज़ करते हैं मेनली वो डिपेंड करते हैं इंजन के डिज़ाइन पे और सिलेंडर्स पे वो डिपेंड करते हैं ज़्यादा मेन बियरिंग जर्नल अगर हुए तो उससे क्या होगा कि जो वाइब्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है वो वाइब्रेशन होने की वो कम हो जाती है और क्रैंक साफ्ट के डिस्टोशन को भी कम किया जा सकता है तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया आईसी इंजन के महत्वपूर्ण पार्ट क्रैंक साफ्ट के बारे में इसके क्या कार्य होते हैं इसका मटेरियल क्या रहता है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स के साथ जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे